क्या आप अपने पाप से लाचार हैं? क्या आप अपने दिल में दोष लिए घूमते हैं? क्या आपके कंधों में पाप का वो भार है? क्या आप सब समय गिल्ट में घूमते हैं? क्या ये दुख आपके ऊपर हावी हो रहा है इतना कि आपकी जैसे अंदर सब कुछ सूख गया है? इट्स अ गुड न्यूज कि परमेश्वर के पास क्षमा है। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को कभी जानता नहीं? आप भी यीशु के नाम से उसके पास आ सकते हैं। आप उसको नहीं जानते, वो आपको जानता है। वचन कहता है रोमियों 5:1 में, इसीलिए हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए अब हमारी शांति है परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा। पीस विद गॉड, अब हमारी परमेश्वर के साथ शांति, मतलब हम परमेश्वर की नजरों में एक ऐसे गुनहगार नहीं है जिसके अंतर मन में दोष है और वो मारा मारा फिर रहा है। इसलिए सबसे दुष्ट व्यक्ति, जो सबसे पापी व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा क्षमा किया है, वो सबसे आनंदित व्यक्ति बन सकता है, जिसके दिल में आनंद के गीत निकल सकते हैं। उसको फिर दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्यों? उसको माफी मिल गई। कैसे मिली? जैसे कभी हुआ ही नहीं था। ये स्टेट परमेश्वर ऐसे रिवर्स कर देते जैसे कभी हुआ ही नहीं था। जब दुनिया माफ करेगी तो वो पाप फिर भी रहेगा, सामने वाले ने माफ कर दिया, कुछ ढक नहीं रहा उस पाप को, हमको सहन किया जाएगा, जरूरी नहीं हमसे प्यार कर लिया जाए। भले हमको नया मौका मिल जाए लेकिन फिर हम आशीषित नहीं कह सकते। लेकिन क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इसको बोलते ब्लेस्ड। कोई और माफ करेगा, हम आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन आशीषित होने का सबसे सीधा तरीका है परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करना, एज इफ इट नेवर हैपेंड। ऐसा ढका हुआ कोई कभी खोज नहीं सकता, ऐसा माफ किया हुआ परमेश्वर को कभी याद ही नहीं, और ऐसा माफ किया गया कि एक बार गुनहगार से सीधा वो व्यक्ति आशीषित और परमेश्वर का अपना जन हो जाता है। ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये सही में पवित्र व्यक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने पाप को ढकने की कोशिश करे, वचन कहते हैं जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं इस पाप को अपने अंदर लेके घूम रहा था, हो सकता है आप इस सर्विस में आप बिलीवर हैं, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, आपको नया जन्म मिला है, बट आप बैक साइड कर दिए, बहुत समय से आप उस पाप को अपने मन में लेके घूम रहे हैं, अपने दिल में लेके घूम रहे हैं, आप बेचैन हैं, आप त्रस्त हैं। अब ये व्यक्ति बताता है इफेक्ट क्या होता है जब कोई अपने पाप को लेके घूमता है, जब कोई कोशिश करता है कि अपने गुनाहों को छुपा ले। देखिये, परमेश्वर से कुछ छुपता नहीं है, ये सबसे बेचैन करने वाली बात होती है। मैं फिर से कहता हूँ, कोई व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास अपनी पाप पूर्ण अवस्था में नहीं जा सकता, लेकिन यीशु नाजरी के द्वारा पिता परमेश्वर के पास कोई भी आ सकता है। तभी यीशु कहते हैं मार्ग सत्य जीवन में हूं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसे कोई चाहत नहीं है अपने गुनाहों को ढकने की, जो गॉड के सामने फुल कन्फेशन करने के लिए रेडी है। और यहाँ उस सिंसियरिटी की बात है कि ये व्यक्ति इनोसेंट नहीं है, इस व्यक्ति के मन में दोष है, लेकिन ये सिंसियर है अपनी कन्फेशन में, ये परमेश्वर सब कुछ छुपाना नहीं चाहता। वचन कहता है जब मैं चुप रहा, जब मैं इस बात को दबाने की कोशिश किया, जब मैं उस पाप की अवस्था में था, जब मेरे को अपना पाप कन्फेस नहीं करना था, जब मैं अपने हृदय में उसको छुपा के रखा, जब मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर के सामने इस गुनाह को कबूलूं, तुम्हारा शरीर और कुछ नहीं खा रहा, तुम्हारा अपना ही दोष तुमको अंदर से खा रहा है। इट इज टाइम कम क्लीन बिफोर गॉड। देखिए, गलती सब करते हैं, लेकिन जो सिंसियरिटी गॉड चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने सिंसियरली आके अपने गुनाहों को कबूलें, और उसका जो सुपर नेचुरल इफेक्ट है, वो बोलता है ऐसे है जैसे हम कभी किए ही नहीं। लोग बोलते रहे भाई, अगर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर पूरा क्षमा करते हैं तो लोग और खराब हो जाएंगे ये सोच के कि भाई जो भी गलती कर दो परमेश्वर से हमको माफी मिल जाएगी। नहीं, इसका इफेक्ट कुछ और होता है। परमेश्वर से किसी को क्षमा मिलती है ना, उसका उल्टा इफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि मेरे को फायदा उठाना, उसका दिल और पिघल जाता है, उसको परमेश्वर की महानता दिखती है, उसका दिल और टूट जाता है अपने दिल की जो अवस्था उसको देख के, जब वो परमेश्वर की क्षमा को, उसकी करुणा को समझता है, जो उसको क्षमा का, परमेश्वर की मर्सी का फायदा उठाने पर मजबूर नहीं करती है, परंतु और परमेश्वर का भय और परमेश्वर के प्रति और प्रेम आ जाता है। कई लोग सवाल करते हैं क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं आपको माफ कर, और जो दोष मनो में होता है वो भी परमेश्वर के हाथ के समान है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हमको तब तक शांति मिले जब तक हम उसके पास आके उस गिल्ड से फ्री नहीं हो जाए।
मतलब उसके अपने गुनाहों को कबूल करते ही उसको एविडेंस मिल गया, उसको प्रूफ मिल गया कि उसको क्षमा मिल चुकी है। और प्रूफ क्या था? पीस।